अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जाफरी और आप देख रहे हैं ऑन द गो विद जाफरी। मैं आज मौजूद हूं तेहरान में। तेहरान में इस एरिया का नाम है सादात आबाद। ओपन मॉल के नाम से एक बहुत बड़ा मॉल है, बहुत खूबसूरत मॉल है। और इधर जो चीज़ मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं वो है लोफ बॉक्स। ये एक बेकरी है, आ जाए मेरे साथ। Hello, salam. Hello, hello. Welcome to Loafbox. Thank you very much. And you are the owner of this bakery? Yes. I came yesterday and I've seen lovely stuff there. Thank you. Beautiful cakes, beautiful pastries, beautiful loaf. We are very famous about our breads. Okay. And our pastries is quite famous here in the market. And you're very welcome. Please. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you. मज़े मज़े की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो सिमिलर टू पाकिस्तानी हैं, यानी कि पाकिस्तान में भी जो मिलती है, जैसे जलेबी हो गई और बिस्किट्स हो गए, लेकिन थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है इनका। मीठा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, हर चीज़ बहुत मीठी होती है, तो कम मीठी चीज़ आपको कम मिलेगी और ज़्यादा मीठी चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। और ये बेकरी जो मशहूर है ख़ास तौर पर, वो मशहूर है अपनी लोफ ब्रेड की वजह से। बेहतरीन किस्म की ब्रेड है। इस जगह पे जो है ये देखें, बिस्किट्स हैं यहाँ पे, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स और डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स हैं। ये केक्स का एरिया है, ये टोटली केक्स हैं। यहाँ पर देखें, नान फ्राई टाइप के केक्स हैं ये। What's up guys? ज़बरदस्त बेकरी है ये, मजे मजे का फूड है यहाँ पे, ब्रेड इधर बहुत अच्छी है, लेकिन बिस्किट, पेस्ट्रीज और केक्स जो यहाँ पे वो अमेजिंग है। फिलहाल मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं फूड को, तो ज़ाहिर है जब आप खाने की पर्शियन फूड की बात करते हैं, पर्शियन बेकरीज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। सो पर्शियन बेकरीज की अपनी एक ख़ास उनकी रेसिपी होती है, उनका अपना एक टेस्ट होता है। तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, सिनेमन ज़्यादा यूज़ की जाती है, इलायची ज़्यादा यूज़ की जाती है यहाँ पे, या फिर ज़ाफ़रान चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इनका डिफरेंट एक मखसूस एरोमा टेस्ट है, विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी टेस्टी। ये देखिए कितना मज़े का बिस्किट लग रहा है। ये जो बिस्किट है उसके ऊपर देखें जो चीज़ लगी हुई है, वो ज़ाफ़रान फ्लावर्स है। दोस्तों आज मैं हूँ लोफ बॉक्स में। आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस यू मिस्टर रज़ा, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस लवली बेकरी। Thank you for coming. I hope you enjoy the atmosphere. When did you start this business? Actually, the first shop opened in this mall in October 2019. It's almost over two years. We have some negotiations with some other malls inside the country to open some branches, but yet we have not decided exactly which one to choose. However, there are two more probable ones. That one is in the city of Ahvaz, and the other one might be in Qom. Since we have not finalized the contract, we are trying to finalize it. Perfect. I have eaten a Belgian chocolate fudge cake. It was lovely. I never ever tried something like that. And I asked the owner, by which chocolate you make this cake, like, you know, and he just present me this chocolate. It's an amazing chocolate. The taste is not less than Lindt, because my favorite chocolate is Lindt. So ye chocolate jo hai Lindt se koi kam nahi. Sabse pehle to jab aaye yahan pe loaf box, maine bata diya address kahan par hai, idhar aake coffee pijiye, you can have a nice coffee here, espresso, cappuccino and americano, chai, latte, everything available here, but especially the cakes made from this chocolate, and this chocolate is amazing. I give 100 out of 100 this chocolate. Try this one guys. Keep watching on the go with Jeffrey.